हेलो वीवर्स, तो आप सभी को 2021 का साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इसीलिए यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल और नया केक जिसका नाम है नटी बबल केक। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर और मैं हूँ फलक। तो हम इसे स्क्रैच से बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पूरा बेस बनाना सिखाऊंगी। तो एक कप मैदा लेना है यहाँ पे, जैसे कि ये हाफ कप है तो इसके लिए दो बार लिया है। मैदे को यहाँ पे सीव कर लेंगे। और जो इस रेसिपी की जान है ना, जिस वजह से इसे नटी बबल कहते हैं, वो है बूस्ट पाउडर। तो हमें यहाँ पे बूस्ट पाउडर डालना है पाव कप, यानी कि 1/4 कप डालना है। इसे छानने के बाद में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। सारी चीज़ों को एक बार छान लेंगे। यहाँ पे जो आप ड्राई इन्ग्रीडियंट्स है उसे कंपल्सरीली इस सीव से छान ले तो बेहतर रहता है, तो इसमें एक भी लम्ब्स नहीं रहती है। इसे क्विकली एक बार मिक्स कर देंगे। अब तैयारी करते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की। तो हम जैसे कि ये प्योरली एगलेस केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे दही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1/3 कप दही ले ली है। इसमें डालेंगे ऑयल, तो तेल भी जो है 1/3 कप ही डालना है। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे में घुल मिल जाए, इमल्सीफाई अच्छे से हो जाए। दोनों अच्छे से जब मिक्स हो जाए तब इसमें हम डालने वाले हैं पाउडर्ड शुगर। तो मैंने चीनी जो है मिक्सर में एक बार पीस ली है। तो यहाँ पे हमें 1/4 कप इस्तेमाल करना है, तो एक डाला 1/2 कप और फिर ये 1/2 कप, यानी कि हो गई टोटल 1/4 कप। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी सारी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे डालेंगे वेनिला एसेंस, तो 1 टीस्पून डालना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी दिसंबर का महीना है और सर्दी बहुत बढ़ गई है, इसके लिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको, लेकिन ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि मैं 2021 को इस तरह से प्रेजेंट कर सकूँ। अब यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे 1/2 कप जितना दूध और सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हमारा वेट और ड्राई इन्ग्रीडियंट रेडी है। अब यहाँ पर हम ड्राई इन्ग्रीडियंट में थोड़ा थोड़ा जो वेट हमारा इन्ग्रीडियंट्स था वो डालना शुरू करेंगे। तो नीचे से अच्छे से हिला देंगे ताकि नीचे बैठ नहीं जाए इसमें जो सॉलिड पार्टिकल अगर होंगे दही के, वो तो इसके लिए से एक बार चला देंगे और फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और आपको यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत प्रेशर से नहीं मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथली करेंगे लम्ब्स तोड़ते हुए, तो इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट मैंने सारा बताया ना आपको, इससे आप परफेक्टली 1/2 kg का केक बना सकते हैं। अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स, तो कंसिस्टेंसी ये रहेगी, जब आप इसे डालें स्पैचुला उठा के तो रिबन जैसा बनना चाहिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई। अब एक ग्रीस मोल्ड में डाल देंगे इसे और इसे फिर हम कर लेंगे बेक। तो अगर आप कुकर में कर रहे हैं तो अराउंड 35 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा, या मे बी ज़्यादा भी हो सकता है टाइम। आप फ्लेम किस तरह रखते हैं उसके लिए आप स्लो फ्लेम पे इसे बना सकते हैं। और मैं अवन में बेक करने वाली हूँ, तो 180 पे 30 से 40 मिनट्स में बन गया था ये। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। इसमें जो बूस्ट का एक अलग से फ्लेवर आ रहा था ना, बहुत अमेजिंग था। तो अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन का टेंशन नहीं है, कोई आपको नोजल वगैरह यूज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पे इसकी स्लाइस कर लेते हैं, तो मैं अराउंड इसकी 4 स्लाइसेस करूँगी। इसे सेरेटेड नाइफ कहते हैं, इससे काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप धागे से भी कट कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा चॉकलेट बेस का वीडियो रेफर कर सकते हैं। और ये थे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम यहाँ पे साइड में लगाने वाले हैं। तो इसे जो नटी बबल नाम दिया गया है ना, वो यहाँ पे बहुत सारे नट्स यूज़ करने की वजह से दिया गया है। तो हम यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता और चोको चिप्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं। पहले जो बेस की लेयर हमने रखी है उस पर डाल दिया है शुगर सिरप, नॉर्मल सिंपल शुगर सिरप है, और उसमें लगा दी है अब व्हिप क्रीम। और ये जो पाउडर डाला है ना, ये है बूस्ट पाउडर, तो इसे ज़रूर ज़रूर डालना। इसी की वजह से जो केक का जो टेस्ट आता है ना और फ्लेवर आता है, बहुत यूनिक आता है नॉर्मल केक्स से। उसके बाद में हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो फैला दिया है इस पर, और फिर कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे। और इसी तरह से जो हमारी बाकी की 3 लेयर है उसे भी हम एक के ऊपर एक करके सेट कर देंगे। और जो अभी लास्ट लेयर है उसके ऊपर भी डाल दिया है बूस्ट का पाउडर, कंडेंस मिल्क और सारे ड्राई फ्रूट्स यानी कि नट्स और चॉकलेट चिप्स। अब ये लास्ट वाली हमारी टॉप मोस्ट लेयर, इसे भी शुगर सिरप से सोक करेंगे और फिर पूरा केक अच्छे से कवर कर देंगे व्हिप क्रीम में।
तो आप जब विप क्रीम भी विप कर रहे हैं ना, तभी उसमें आपको कंडेंस मिल्क डालना है। तो अगर आपने जैसे एक कप विप क्रीम विप की है अराउंड 250 ml, तो आप उसमें समझिए कि पाव कप जितना कंडेंस मिल्क डाल दीजिए, तो जो क्रीम का टेस्ट और फ्लेवर उठेगा ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे अच्छे तरह से कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल स्मूथ इसका साइड्स रखना है या ऊपर की सरफेस बिल्कुल इवन रखनी है, क्योंकि एट द एंड हम यहाँ पे साइड्स में जो है हमारा जो ड्राई नट्स थे वो लगाने वाले हैं इस तरह से, और ऊपर भी हम यहाँ पे बबल्स के लिए जो करने वाले हैं वो आप आगे देखेंगे कि इसे नटी बबल्स केक क्यों कहते हैं। तो नटी वाला तो आप समझिए कि हम यहाँ पे नट्स यूज़ कर रहे हैं, अब बबल्स आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग टच देने के लिए एक अलग डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो केक बनाया है स्पेशली 2021 के वेलकम के लिए बनाया था। यहाँ पे बस नाइफ से एक मार्किंग देके ड्राई फ्रूट्स इस तरह से रख दिया है पार्टीशन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे श्योरली बता रही हूँ, आपको ये डिज़ाइन पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मेरी ही डिज़ाइन की हुई है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी, और रेगुलर केक से बहुत यूनिक, चॉकलेट से तो बहुत ज़्यादा अच्छी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब यहाँ पे हमने इस तरह से वाइट चॉकलेट गनाश से बबल्स बनाए हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं बबल, नटी बबल केक। यहाँ पे बबल्स बना दिए, बूस्ट पाउडर ऊपर से डालना है इस तरह से। अगर आप पूरा केक बबल से कवर कर रहे हैं तब आप यहाँ पे जो सेव आती है उसमें भी डाल के डस्ट कर सकते हैं, जो हमारा बूस्ट पाउडर होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे हाफ पार्ट जो है इसका वाइट चाहिए था, इसके लिए मैंने डस्टिंग के लिए सेव का इस्तेमाल नहीं किया है और हाथ से ही स्प्रिंकल किया है। अब जो बबल्स ढक गए थे उसके ऊपर हम दोबारा से वाइट गनाश से डबल बबल्स बना देंगे, और इसके जो साइड्स हैं यहाँ पे अच्छे तरह से पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसका कवर कर देंगे इन सारे नट्स और चॉकलेट चिप्स से। तो लग रहा है ना बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल सा केक, लेकिन खाने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इसे कोई भी बना सकता है, जो फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक, और जो आप यहाँ पे वाइट पार्ट पे गोल्डन जैसा देख रहे हैं डस्ट, ये मैंने गोल्डन डस्ट को थोड़ा सा पानी मिला के ऐड किया है और ब्रश से इसे स्प्रिंकल किया है, तो ऐसा टेक्सचर मुझे मिला है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।